9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की स्मृति में कलकत्ता के भारत सभा हॉल में जयप्रकाश जनता दल ने बंगाल में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया, जिसके साथ ही सभी नागरिकों ने महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस बैठक में जयप्रकाश जनता दल के प्रदेश महासचिव अशोक दास, नाबार्ड के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक शिव शंकर साहा, प्रमुख समाजवादी श्रमिक नेता पार्थ मजूमदार, प्रमुख श्रमिक नेता जयप्रकाश जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष वैद्य दे आदि उपस्थित थे। गौरी शंकर बैनर्जी, उदय भान पाठक, राज्य महासचिव दिवाकर दत्ता, मानिक दास, महिला नेता सरोज दास, राज्य सचिव असद अली खानकर, भावतोष लाहेली, राज्य परिषद सदस्य राघो सिंह सहित विभिन्न नेता शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता राजा सिंह गुप्ता ने की। सभी नेताओं ने अगस्त क्रांति पर बात की और सभी ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। बंगाल में भारत सभा हॉल, ऐतिहासिक भारत सभा हॉल में आज हम लोग मना रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा हिंदुस्तान का ये जो आज़ादी के लिए जाने ना जाने अनजाने सभी को हम लोग प्रणाम कर रहा है, श्रद्धांजलि निवेदन कर रहा है। जयप्रकाश जनता दल का आप जो प्रश्न पूछा है तो देखिए, आज दो गुट अब बोल रहा है, एक अलायंस को इंडिया का बोलिए, जो भी बोलिए बोलिए, और एक एनडीए, दो अलायंस है। हम लोग ना यो इंडिया का अलायंस में है ना एनडीए का अलायंस में है, हम लोग दोनों अलायंस का विरोध कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान में समाजवादी विचारधारा, गणतांत्रिक व्यवस्थापना को बजाय रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का जो प्रथम निर्देश है, वही पथ पे चलने वाला हम लोग है, वही रास्ता पे चलेगा तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। क्योंकि हम लोग जो जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये नेशनलिस्ट जातीयतावादी विचारधारा वाले, जयप्रकाश नारायण जातीयतावादी विचारधारा वाले, ये लोहिया जी जातीयतावादी विचारधारा वाले लोग है, नेता है, हम लोग का प्रमुख नेता है। क्योंकि आज जो चल रहा है देखिए, ये जो एनडीए है उसको हम इसलिए उसको उसका साथ नहीं है, जो जितना आत्मभरी हो गया, इतना अहम हो गया, जो सकल लोगों को वो जो ऐसा ऐसा फुटकार देकर उड़ा रहा है, जो कुछ नहीं है, आम ही सब है इंडिया में, हमेशा ऐसा नहीं है, और सब जनरल पीपल का साथ का उनका धीरे धीरे संपर्क शेर हो रहा है, वो हम बोलेंगे। अरे जो इंडिया का जोट है, हम इंडिया का जोट तो नहीं बोलेंगे, इसको एंग्लो इंडियन अलायंस बोलेंगे। ये एंग्लो इंडियन अलायंस है, ये जितना देखिए बंगाल में देखिए, अब दूसरा बिहार में देखिए, ये जिसको नेता है, ये जो ये अलायंस बनाया है केजरीवाल ने, जो एक साथ मिल के बनाया है, क्या है मुलायम सिंह यादव जी का लड़का जो बनाया, क्या है इसमें देखिए। आज देखिए केजरीवाल का कितना घोटाले में है, बंगाल का ममता बनर्जी का सरकार कितना घोटाले में है। आज देखिए जो हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट में बोल रहा है, चाइना इतना रुपया बंगाल भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए ऐसा योजना बना रहा है, जो कितने कितने लोग रुपया लिया है, कौन कांग्रेस लिया है, कौन कम्युनिस्ट लिया है, वो तो उजागर हो रहा है अमेरिका तक, अमेरिका से भी खबर आ रहा है, उसी का पत्र पत्रिका में आ रहा है, जो बाहर में जाके राहुल गांधी जी उस बारे में बोल रहा है, जब इंडिया में गणतंत्र नहीं है, ऐसा है वैसा है, खुद उन्होंने उनका बारे में क्या बोल रहा है, अमेरिका का जो संवाद पत्र पेपर बोल रहा है वो जानना चाहिए आप लोगों को, उजागर हो रहा है। तो हम लोग एकदम इसका विरोध कर रहा है, जैसा ये चाइना का विरोध कर रहा है, ये हमेशा से बंगाल इंडिया का विरोध कर रहा है। बंगाल का जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी से पूरा कलकत्ता बंदर तक आने का उसका एक योजना है, योजना का तहत से काम कर रहा है। सीरिया, अरब कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टुकड़ा टुकड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए भारत का जो योजना बना रहा है, वो उसको विरोध कर रहा है स्टार्ट करने के लिए, और गणतंत्र के पुनरुद्धार करने के लिए बंगाल से हम लोग वचनबद्ध है, शपथ ले रहा है काम करने के लिए, आज यही 9 अगस्त शपथ ले रहा है। देखिए आज आपका सामने देख रहा है, ये रायगंज से उत्तरी दिनाजपुर से आया है हमारा जो स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी भवदोष बाबू, भवदोष लाहिरी जी, हुगली से आ रहा है, आज वर्धमान से आ रहा है, हुगली से आ रहा है, हावड़ा से आ रहा है, सभी आया है, मुर्शिदाबाद से आया, बीरभूम से आया है, बीरभूम से हम लोग जो इतना पंचायत चुनाव में लड़ाई लड़ा है वो दिवाकर दत्ता आया है, मुर्शिदाबाद से लड़ाई लड़ा है, पंचायत चुनाव से मानिक दास आया, हर जिला में आया है,
हर जिला में जनता दल का जो कार्यकर्ता है आज भारत सभा हॉल में आया। गुना में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस, हर जिला में महकुमा शासक का ऑफिस, हर जिला में ब्लॉक स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे, सब कुछ करके जनता के पास जाएंगे, विचारधारा लेके जाएंगे, जनता के पास हम लोग आशीर्वाद मांगेंगे, जनता का आशीर्वाद लेके बंगाल में जैसा जयप्रकाश जी ने जैसा 72 से 77 युव समाज को जागृत करके, जैसा इंदिरा गांधी का तानाशाही खत्म करके पूरा हिंदुस्तान में गणतंत्र दिलाया, ऐसा ममता को जो तानाशाही चल रहा है ये तानाशाही खत्म करके अगला दिन में जयप्रकाश जनता दल पूरा संगठित होके अगला दिन में पश्चिम बंगाल में जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट निर्वाचन में 42 सीट पर कैंडिडेट देके हम लोग जनता के पास जाएंगे।